कैंसर एक तरह से कोशिकाओं की ओवर ग्रोथ होती है। नॉर्मली हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं बनती हैं और जितनी डिस्ट्रॉय होती हैं उनका एक प्रॉपर रेशियो होता है, जिसके हिसाब से हर टिश्यू का एक प्रॉपर शेप और साइज़ मेंटेन रहता है। पर कभी कभी इन कोशिकाओं का जो ग्रोथ होता है वो अनियंत्रित हो जाती है। सिंपल शब्दों में कहने का मतलब ये है कि ग्रोथ ज़्यादा होती है और उनका डिस्ट्रक्शन कम होता है। वो एक ट्यूमर का साइज ले लेते हैं और अगर ये चीज़ लंबे समय तक पड़ी रहे तो फ्यूचर में वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। समरी के तौर पे अगर बोला जाए तो कैंसर मुख्य रूप से महिलाओं में और पुरुषों में जो मुख्य मुख्य कारण है वो रिलेटिवली अलग अलग है। पुरुषों में अगर देखा जाए तो कैंसर का जो मुख्य कारण है आज के टाइम में वो धूम्रपान, मदिरापान, अनियंत्रित लाइफ स्टाइल, जीने के तौर तरीकों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है समय के साथ साथ, और कुछ योगदान 25 से 30% योगदान हमारी जेनेटिक्स का भी होता है। कहने का मतलब यह है कि 20 से 25% कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें हमारी जेनेटिक्स रोल प्ले करती है, उनमें पेशेंट का कोई दोष नहीं होता फिर भी वो कैंसर हो जाते हैं। पॉलीथीन में आप ऐसे कह सकते हैं कि हज़ार नहीं मोर देन थाउजेंड्स तरह के कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस का मतलब होता है कैंसर काजिंग एजेंट्स। कैंसर काजिंग एजेंट्स पॉलीथीन में अनगिनत मात्रा में है, उनका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है कि कितने तरह के कार्सिनोजन पॉलीथीन में हो सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉलीथीन के साथ ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, मतलब ये एक बार में इसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता, ये स्लो स्लो करके डिस्ट्रक्ट होती है और उसके जो कोरोसिव मटेरियल्स हैं वो धीरे धीरे करके एनवायरनमेंट में, हमारे खाने पीने की चीज़ों में, पानी में मिश्रित होते रहते हैं और वो लॉन्ग टर्म में हमें कैंसर पैदा करने में मदद करते हैं। बेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा कैंसर अस्पताल है जहाँ पर सारी सुविधाएँ एक ही छत के नीचे सारे कैंसर के मरीजों को उपलब्ध कराई जाती हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं वो एक स्टैंडर्ड लेवल की हैं। हम इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतनी सुविधाएं अवश्य हैं कि हम अपने देश के जो पब्लिक है उसको एक स्टैंडर्ड कैंसर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉक्टर अमित जैन बहुत ही एक्सीलेंट फिजिशियन है, एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग है और अंडरस्टैंडिंग है, अपने स्टाफ के लिए भी काफ़ी डेडिकेटेड हैं, उनकी भी बातें सही टाइम से सही तरीके से सुनी जाती हैं और स्टाफ भी यहाँ का बहुत कोऑपरेटिव है और सारे सिंसियर हैं अपने काम के लिए। इस तरह से अगर मैं पेशेंट्स के भी रिव्यू लेता हूँ स्टाफ के, तो रेयरली मुझे कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि आपके स्टाफ की वजह से मुझे ये परेशानी हुई। अगर हम कैंसर से बचाव के तरीकों को जनरलाइज करें तो यही सबसे क्रक्स है कि आपको पॉल्यूशन से दूर रहना है, पॉल्यूशन को कम करना है, अपनी लाइफ स्टाइल में ऐसे चेंजेज लाने हैं जिससे कि कैंसर को रोका जा सके, जैसे कि धूम्रपान, मदिरापान का सेवन ना करें, खाने में हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां लें, रूटीन में खाना खाएं, नॉनवेज का सेवन कम से कम करें तो बेहतर है, क्योंकि आजकल देखा गया कि बहुत सारे आंतों के कैंसर जिनका कोरिलेशन नॉनवेज डाइट से भी मिला हुआ है। तो वैसे में हम लोग कई बार ये भी सोचने को मजबूर करते हैं कि शायद नॉनवेज ना खाएं तो कैंसर के इंसिडेंस को कुछ हद तक कम करा जा सकता है।